हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीडी लर्निंग पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में बताने जा रही थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें चार तरह का एरर्स मिलता है। उन चारों तरह के एरर्स को अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में अकर होता है तो हम किस तरह से उसे सॉर्ट आउट करते हैं, मींस अगर हमारा ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर्स पाया जाता है तो उस एरर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर उसे हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन मीन्स हम लोग उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आपको मैंने बताया था कि एरर्स जो होते हैं वो फोर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था एरर्स ऑफ कमीशन, मीन्स हम लोगों को कुछ एंट्री करना रहता है लेकिन हम लोग उसे टोटली भूल जाते हैं करना, हम लोग कमिट ही नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे लिए बहुत इजी है कि जो एंट्री हम लोग भूल गए उसे हम लोग कर दें। तो मान लीजिए हम लोग मोहन को क्रेडिट सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल टू मोहन ₹10,000। तो हम क्या करते हैं, चूंकि हम लोग सेल कर रहे हैं एंड हियर इज रिसीवर ऑफ मोहन, सो वी डेबिटेड मोहन्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट DR, हम लोग 10,000 से मोहन्स के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं क्रेडिट में, टू सेल्स अकाउंट, यहां हम लोग 10,000 लिख दिए। मींस अगर हम लोग भूल गए हैं एंट्री करना तो इट इज वेरी इजी टू रेक्टिफाई द एरर्स कि हम लोग एंट्री को कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था एरर्स ऑफ ऑमिशन, मतलब उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें जो एंट्री करना रहता है उसे हम लोग पूरी तरह नहीं करते। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ 10,000 का सेल कर रहे हैं, बट बाय मिस्टेक वी राइट हियर मोहन्स अकाउंट DR, दैट इज 1,000। मीन्स हम लोग 10,000 की जगह में 1,000 लिख दिए टू सेल्स अकाउंट। तो हमारे पास जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वो तो हमें राइट देगा, लेकिन जब हम उसे ठीक से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ हम लोगों ने 10,000 के बदले 1,000 एंटर किया है, मीन्स देर इज गैप ऑफ 9,000। तो उसे हम लोग किस तरह रेक्टिफाई करेंगे, तो इट इज़ वेरी इजी कि हमें 10,000 से मोहन को डेबिट करना था, हम लोगों ने 1,000 से किया, सो वी डेबिटेड अगेन मोहन्स अकाउंट DR, जो हम लोगों को 10,000 करना था हम लोगों ने 1,000 किया, तो हम लोग इसे 9,000 से फिर से डेबिट कर देते हैं और टू सेल्स अकाउंट हम एंट्री कर देते हैं। तो हमारा ये भी रेक्टिफिकेशन बहुत इजी हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको थर्ड एरर बताया था एरर ऑफ प्रिंसिपल, मीन्स हम लोगों को ये पता नहीं है कि हम लोग को एंट्री कैसे करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो उस कंडीशन में उस एरर को हम लोग किस तरह रेक्टिफाई करते हैं वो मैं आपको बताती हूं। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने मोहन को सेल किया, सेल्स टू मोहन ₹10,000, लेकिन मोहन की जगह में बाय मिस्टेक हम लोग राम के अकाउंट को, मीन्स हम लोग जब मोहन को सेल कर रहे हैं तो हमारा एंट्री होना चाहिए था मोहन्स अकाउंट DR, दैट इज 10,000, टू सेल्स अकाउंट 10,000, बट बाय मिस्टेक हम लोग मोहन के जगह में क्या कर रहे हैं कि राम के अकाउंट को डेबिट कर दिए, वी राइट हियर राम्स अकाउंट DR 10,000, टू सेल्स
तो सेल्स अकाउंट तो हमारा सही हुआ है, लेकिन हमारा गलत क्या हुआ है कि हमारा डेबिट होना चाहिए था मोहन अकाउंट और हम लोगों ने राम को डेबिट किया। तो इस अकाउंट को हमें कैंसिल करना होगा, मीन्स जितने अमाउंट से हम लोगों ने इसे डेबिट किया है उतने अमाउंट से हम इसे क्रेडिट कर देंगे, और चूंकि राम के मोहन का अकाउंट डेबिट नहीं हुआ तो उसे डेबिट करेंगे। तो इस एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए वी राइट हियर मोहन अकाउंट डीआर। मोहन का अकाउंट 10,000 से डेबिट करना था, वो हम लोगों ने कर दिया। बाय मिस्टेक हम लोगों ने जो राम्स के अकाउंट को डेबिट किया था उसे हम लोग को कैंसिल करना है। सो जितने अमाउंट से हम लोग इसे डेबिट किए हैं उतने अमाउंट से इसे क्रेडिट कर देंगे टू राम्स अकाउंट, टू राम्स अकाउंट। तो यहाँ 10,000। इस तरह हमारा ये एरर्स हमारा क्या होगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इन सारे के अलावा भी हमें अगर जब एरर्स पता नहीं चलता तो हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंस देखते हैं अपने ट्रायल बैलेंस का, कि अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड्स में जो डिफरेंस है कहीं वो जो डिफरेंस है टू से तो डिविजिबल नहीं है। मीन्स अगर मान लीजिए डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस हमें 1500 रुपीज़ मिलता है, तो ये 1500 रुपीज़ का डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? अगर ये डिविजिबल बाय टू है मीन्स ये हमें 750 दे रहा है, मतलब कि हम लोगों को या तो क्रेडिट करना होगा 750 जो हम लोगों ने डेबिट कर दिया, तो ये डिफरेंस दिख रहा है डबल का। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें करना था 459 की एंट्री, लेकिन हम लोगों ने कर दिया 954। अब जब इस दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, हम लोगों को ये इंटर करना था अमाउंट जबकि हम लोग उसका जस्ट उल्टा इंटर कर दिए, तब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो हमें ये डिफरेंस मिलता है दिस। अब मान लीजिए इसे हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा पूरी तरह से कट हो जाता है 55। जब इस तरह का डिफरेंस मिलता है मीन्स हम लोग जब 9 से डिवाइड, मतलब डिजिट का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि 9 यहाँ आ गया है, 5 यहाँ है, 4 इधर आ गया है, मीन्स इस तरह का भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो मुझे आशा है कि ट्रायल बैलेंस में किस किस तरह का एरर्स हमें मिलता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग किस तरह इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं मैं समझ सकती हूँ। तो आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट मिलता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। सो मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा उठा सके, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके, थैंक यू।